भोपाल विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में राजभवन का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर मॉब लिंचिंग करने वालों पर NSA लगाकर CBI से जांच करने की मांग की है। नीमच में एक आदिवासी युवक को ट्रक से घसीट कर मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया। वहीं इंदौर देवास में भी इस प्रकार की घटना घटित हुई है। शिवराज सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में लिली टॉकीज के सामने राजभवन का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदर्शन में भाग लिया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजभवन क्या घेराव इसलिए कर रहा है कि हमारे प्रदेश में इंसानियत के ऊपर जो लगातार कत्ल चल रहा है, भोर के अंदर स्कूली वाले के साथ हुआ, आज अंदर करैया बीन की हत्या हुई, ये तमाम घटना उसका स्वरूप है कि जिस तरह से मंत्रियों के बयानबाजी। इंदौर की घटना पे मैंने स्वयं कहा था कि अगर उसी टाइम सरकार सही निर्णय लेती, आरोपियों को दंडित कराती और कार्रवाई करती और माहौल खराब करने का काम सरकार नहीं करती तो आज नीमच की घटना नहीं होती। नीमच की घटना के जिम्मेदार जो मंत्री हैं उनको तत्काल, शिवराज सिंह में अगर वास्तव में साहस है, नैतिकता है, तो वास्तव में गवर्नर और शिवराज सिंह को निर्णय लेना चाहिए, ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। मिश्रों ने भी आज एक परिवार ने जो है आर्थिक वो बेरोजगारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।